नमस्ते दोस्तों, आप देख मैं हूँ सवाल साजिद और आप देख रहे हैं टेक्निकल गेम। मैं आपको आज बताने वाला हूँ, मैं आपको रिव्यू करने वाला हूँ मेरा PlayStation 3 स्लिम। और आप देख सकते हैं आपके सामने रखा हुआ है, काफ़ी अच्छा PlayStation है, मैंने इसको खेला है, इसमें मैंने कुछ गेम्स भी क्रैक किए हैं दोस्तों। आज रिव्यू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको दो यूएसबी के स्लॉट्स मिलते हैं आपका वायरलेस कंट्रोलर चार्ज करने के लिए। और दोस्तों यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क मिलती है, फोकस करके बताता हूँ। यहाँ पे आपको नीचे हार्ड डिस्क मिलती है, जो हिस्ट्री की हार्ड डिस्क मिलती है। यहाँ पर सोनी ब्रांडिंग है, यहाँ पर लोगो है सोनी का, यहाँ पर एजेक्ट बटन है, यहाँ पर एजेक्ट बटन है, यहाँ पर ऑन एंड ऑफ बटन है। साइड में देखते हैं क्या है, साइड में कुछ भी नहीं है। वैसे मैंने इसे लेते हुए साइड में कुछ भी नहीं है, अंदर भी बैग में बहुत कुछ है दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, ये हमारी इंटरनेट की केबल है, आप इसके अंदर इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह कर सकते हैं। ये हमारी HDMI आउट केबल है, HDMI केबल है, आप HDMI लगा सकते हैं। ये ऑप्टिकल आउट पिन है, ऑप्टिकल डिजिटल ऑप्टिकल आउट पिन। और ये हमारा मल्टी आउट, हमारा 3 कलर्स के जो वायर होते हैं वो। और ये हमारा पावर केबल। नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्यारी तरीके से PS3 लिखा हुआ है दोस्तों, कुछ भी नहीं देख सकते, PS3 लिखा हुआ है, बहुत प्यारी हैंड राइटिंग से। मैं इसको सेकंड पार्ट में इसका गेम प्ले करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखो, ये है उसके कुछ, मैं आपको बता दिया। चलो मैं इसका कंट्रोलर बताता हूँ, ये है DualShock 3 कंट्रोलर। देखिए DualShock 3 सैक्सिस कंट्रोलर है, देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त है, मज़ा आता है खेलने में। और एक बार आपको सिर्फ ऐसा वायर्स लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाना चाहिए। ये है इसका पावर केबल, इसका सॉकेट आपको आउटपुट आपके घर के जो सॉकेट में लगाना होता है दोस्तों। और ये हमारा ऑप्टिकल पिन, और ये हमारे AC इन दोस्तों, ये AC इन ऐसे लगाना चाहिए। और ये 30 वॉल प्लग पिन, ये हमारे 3 कलर्स का वायर जो बताया था इसके बारे में। मल्टी आउट, ये तीन आपको मैं बता सकता हूँ, मेरे पास छोटी टीवी है ओल्ड वाली, तो ये तीन है उसके। और ये आपके कंट्रोलर का चार्जर है जो आपको यहाँ नीचे लगाना है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, टेक्नोलॉजी किंग को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। मैं इसका पार्ट टू बनाऊंगा, जिसके अंदर आपको इसके कुछ गेम्स का गेम प्ले करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। इसके कुछ ही देर के बाद इसका पार्ट टू भी रिलीज हो जाएगा, तो मेरे साथ देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मैट फिनिश है, जो काफ़ी पसंद आया। लेकिन अगर आपको मैं
इससे पहले एक फिट वर्जन और इसके बाद एक सुपर स्लिम वर्जन जो दो निकले थे उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ दोस्तों। अगर आप फिट लेंगे तो आपके लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ओल्ड मॉडल है और आपको बहुत भारी पसंद, वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं और अगर आप स्लिम ले सकते हैं तो आप इसके अंदर गेम्स बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर सकते हैं, इसके अंदर काफ़ी गेम्स खेल सकते हैं दोस्तों। और ये इसमें आपको खेलने में मज़ा भी आएगा आपको ज़्यादा, अगर आप क्रैक भी कर सकते हैं गेम्स को और डाउनलोड करके आप इसमें खेल भी सकते हैं, आपको मज़ा भी आएगा, लेकिन आपको बार बार सीडीज की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सुपर स्लिम वर्जन लेते हैं तो आपको फिर बार बार उसकी सीडीज लेनी खरीदनी पड़ेगी। मैंने इसके अंदर कुछ 39 से ज़्यादा टाइटल्स क्रैक किए और एक मोबाइल एक प्ले स्टेशन शॉप पर तो उसमें 39 टाइटल्स उसमें से मुझसे 500 रुपीस लिया और उन्होंने मेरे लिए 39 टाइटल्स को 39 टाइटल्स को डाला अपने प्ले स्टेशन में। और देखो चार ये देखो मैं आपको कुछ कंट्रोलर के बारे में बताऊंगा। ये डुअल शॉक 3 है तो वायरलेस कंट्रोलर है, ये इसका एक्स है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ज़ीरो है, सॉरी दोस्तों, और ये इसका स्टार्ट है, सेलेक्ट है, और ये जो ये लोगो है ना इसको दबाएंगे तो ये लाइट जलेगी और ये प्ले स्टेशन ड्राइव की प्ले स्टेशन ऑन है तो उससे कनेक्ट कर लेगा। तो हमारे दो एनालॉग्स है और ये की पैड है हमारा, ये L1 L2 फिर ये वाला R1 R2 ज़्यादा पीछे कुछ सोनी वायरलेस कंट्रोलर ओरिजिनल है अगर दोस्तों मैंने ओरिजिनल लिया था इसको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर मेरा ना अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अगर मेरा चैनल आपको बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन दबाइए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की, मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ की। तब तक के लिए अलविदा।